हर चीज हो गई। चलो हम ड्राइव कर दे इस कार नू इन 3 2 1। आप चलती कार च हुण इह चल पिया साइड वाला कैमरा, हुण उत्थे सारे रोड ते बाइक वगैरह खड़े आ, ठीक है। सो इह चीज़ां ना कार रब दा नाम लेके, एक सेकंड मैं वेख लां कि कुछ है तो नहीं। यार ये चीज़ वधिया है यार, जे होवे ना फिर बंदे नू आदत जी पै जांदी आ कि मतलब हुण आ वेखो कार जमा साइलेंट है, जमा कोई तुहानू आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैं ब्रेक तो पैर चकता तो 14 दी स्पीड आप ही, इको मोड ऑन आ, ठीक है। वेखो कोई मतलब सिंगल जिन्हों आवास कहते ना सनरूफ के नज़ारे है। सनरूफ तैयार होनी चाहिए, हम जिम्मे सर्दियाँ आ रही ना, सो सनरूफ हर कार च मतलब वड्डी वाली होवे जिमें कि होंगे यदा वधिया भी आ। साइड इफेक्ट्स तो इन्हों नहीं गए अंटिल स्कॉर्पियो की गल हो गए, समझ गए ना। तो बहुत साइलेंट है रे कार, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, जमा शांति नाल चल रहा। हूँ आवाज़ आई है जे नहीं क्लिक करांगे तो हो जाता। सॉरी गाइस, मैंने पता नहीं सी, मैंने आई सी सनरूफ भी खोल जूगी, ठीक है। तो यदा जेड़ा शेड है ना यार, आ जेड़ा कपड़ा दिता व्याह वाला, आ बहुत पतला कपड़ा यार, ये गल बहुत माड़ी है, ठीक है। सुजुकी दी कह लो, टोयोटा दी कह लो, जिन्होंने कार बनाई है तो वैसे सुजुकी, ठीक है यार। आ कपड़ा नहीं देना चाहिए सी, जिवें क्रेटा वगैरह च हुंदा ना कि एक प्रॉपर जो कि है शेड वाला दिता हुंदा, ठीक है। उहदे नाल की है धुप जमा नहीं आती कार च, इहदे नाल तां भी ब्राइटनेस भी आती है, ठीक है। तो ओ वाली फील नहीं, मतलब धुप बहुत आती है इहदे नाल, जिवें बाहर टैंपरेचर इस टाइम 36 है, ठीक है। तो मैनू थोड़ी जी हीट फील हो रही है, जे इहदे वेंटीलेटेड सीट्स ना होन ते एसी इन्ना वधिया ना होवे, ठीक है। मतलब इहदा एसी दा फिर खैर सुजुकी दी या टोयोटा दी जो मर्जी दी कह लो यार, एसी बहुत कैंट है इस कार दा, एसी भी पूरा वधिया, ठीक है। एंड हुण खाली रोड है, हुण मैं तुहानू सिंपल जी एक चीज़ विखा दिंदा, इको मोड ते इहदी पिकअप वेखना, मैं हुणे प्रेस करूँगा इको दा, हो गया, ठीक है। 1 2 5 प्रेस करके तुहानू विखाना। पिकअप वाइज कार बहुत वधिया, ठीक है। ना तो ये टर्बो है बट पावर वाइज, ठीक है, सीधी पंजाबी आप गल कहने पावर वाइज ये कार तुहानू कितें भी निराशा नहीं देगी जे तुसी हाईवे वगैरह ते ड्राइव करनी है। हुण जिवें आपां लाता ड्राइव मोड नू पावर मोड ते, पावर मोड जिहनू पता है या शायद नहीं पता, ये फॉर्चूनर इनोवा बहुत फेमस चीज़ है। हुण जे मैं ये प्रेस करके थोड़ा पंजा दूंगा तो बई ये कार बहुत, ठीक है, पूरा फील दिंदी है कि हाँ आप कोई कार चला रहे हैं। मैं इनू ज़्यादा नहीं चलाना चाहता, मैं दोबारा इको मोड ते ले आना, ये सिर्फ तुहानू विखाउण लई सीगा क्योंकि ठीक है मेरे भरा दी कार है, मैं कोई आपदी कार ही है, मैं इनू खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। एच यू डी नू 3 सैकेंड लई प्रेस करांगे तो आपे बहर आ जूगी, ओ वेखो आ गई ना बहर। ये राती वधिया लुक दिंदी यार, वो वेखो स्टार्टिंग लिखिया आ गया, हैलो आ गया, डी च है कार ऑटोमैटिक ऑब्वियसली, ये मैनुअल वाला कोई हिसाब नहीं तो करके लिखा आ रहा। बाकी ओवरऑल तुहानू कार किवें दी लगी किवें दी नहीं मैनू कमेंट करके जरूर दसना, इस कार का फायदा हैगा कि नहीं। देखो हुण 23 लाख लानी है, लाने हैं, ठीक है। 23 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होंगी, 23 लाख लाना वर्थ इट है नहीं हैगा। तो एवरेज वाइज वेखा जाइए तो वधिया, जे साइज वाइज वेखा जाइए क्योंकि इस सैगमेंट होर भी बहुत कार्स आदि, ठीक है, उस हिसाब न ले चीज़ वर्थ इट नहीं गई जो कि सही गल है। एंड मैं थोनों एक सैकेंड कार साइड पर खड़ा के मैं ये एक होर चीज़ दिखाना जो ये डिसएडवानटेज आ, जो कि बई इन्नी गंदी चीज़ है ना, वो इन्नी गंदी चीज़ है, मैं थोनों दिखाना। 23 लाख ला के, ठीक है, जिथे किया सेल्टोस वगैरह च आपां नूं ऑटोमैटिक सीट्स मिलदी हैं, इहदे मैनुअल आ, इह मैनुअल सीट्स है, मैनुअली एडजस्टेबल, ठीक है, इलैक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं, जो कि यार बहुत माड़ी चीज़ है, ठीक है।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਦਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਫੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਡੈਡ ਪੈਡਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਰੋਡ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। SRS ਏਅਰਬੈਗ ਫਾਲਟ ਚੈੱਕ ਇੰਜਨ EPS ਫਾਲਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕੋਨਮੀ 21 ਦੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ 25-26 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਇਹਨੇ 20+ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ 28-30 ਦੀ ਬੁਲਟ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਮਾਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਾਰ 'ਚ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਊ 'ਤੇ ਨੱਪੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਗੁੱਡ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਸੀਟਸ ਔਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਨਰੂਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਓਵਰਆਲ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੋਨਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੋਨਟ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200 NM ਜਾਂ 180 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲ, ਲਾਈਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਨਾ ਲਾਈਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਾਰ ਓਕੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ। ਲੁੱਕਸ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਾਰ ਵਧੀਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸਿਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਆ। ਕਾਰ ਰੀਟਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਚਾਰਜਰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਵੇਖੋ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ
एक प्रॉपर जिम्मे टैंक का एक शो कर देना जिम्मे सोई कह दें पंजाबी से है ना। सो जिम्मे मैं ब्रेक लाने आ जाता चार्ज वाले तो मीनस टू से कार रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी करती है जिद नाल बैटरी चार्ज होंगी रहती है ना कि सिर्फ चलन नाल जो आप ब्रेक लाने उदो भी होंगी। डी तो पिछे बी की ऑप्शन दिती है ये मैं यदा आही मतलब क्ढिया नैट से यदा आ मतलब है हाउ एन कार इज बीइंग ड्रॉन ऑन अ स्लोपर इनक्लाइन फ्रॉम बी डी टू बी फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन द ब्रेकिंग मोड। समझ गए जो कार एंथूजियास्ट हो सब समझ गए होंगे क्योंकि हम मैं ये चीज़ समझाना थोड़ी जी औखी है सारा नू ताई मैं खोल के प्रॉपर मैं थानू आह दिता तुसी वेख सकते हो कि जो कार आप डी चो बटन प्रेस करके बीच करांगे तो यदा आ मतलब आ। ओके गाइस आएगा पेट्रोल का खोलन वाला हो गया तो आएगा बोनट वाला हो गया मैं थानू बोनट का विखाना व्यू किहोजा इंजन बेद यदा व्यू चाबी अंदर है ता करके करी जाती है। एक सेकेंड मैं खोलता तो गाइस इंजन का कुछ व्यू है ठीक है बैटरी वगैरह वाला तो सारा जुगाड़ पिछे दिता हुआ बाकी आ कोई डिफरेंट लग रहा बाकी कारा नालों इहदी बैटरी का हो गया कार नवी है सो हर चीज़ क्लीन है यदि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो बोनट भी काफ़ी हैवी हैवी फील दिता ठंड जो कि सुनने थानू मिल जूगा जो भी ये इंजन स्पेसिफिकेशन हुई मैं सारी थले लिख दूंगा जो तो मैं बोनट वाला करूँगा। सो हूँ बाकी तो तुम ब्लॉग वेख ही लिया होगा एंड ये शॉर्ट्स जो कि तुम इंजॉय मैं बुरा भी नहीं कहूँगा वधिया भी नहीं कहूँगा एवरेज है मेरे अर की हाइट दे आराम बह सकते जे किसी हाइट बहुत लंबी है वह कुछ कह नहीं सकते ठीक है बट घरद लैनी है तेज नहीं चलानी है चला दिल भी करता है एवरेज भी चाहिए है फीचरस भी चाहिए है कैमरा भी चाहिए आ मोड वगैरह साइलेंट भी चाहिए है कार पेट्रोल भी चाहिए है ठीक है सनरूफ भी चाहिए है तो ये कार तुम प्रैफर कर सकते हो ना तो क्योंकि टोयोटा की सर्विस है सारे पता बहुत वधिया सर्विस है ठीक है सारा कुछ ओके दी बैटरीज की भी वारंटी मिलती मैं लगता पांच के सात साल की वारंटी इस कार च बैटरीज की मिलती है कि जो बैटरीज डेड वगैरह कुछ भी मतलब उन्हों की घट होंगी है थोड़ी लाइफ वगैरह तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की है चेंज करके दूगी। सो किवें दा लग्या हाई राइडर दा व्लॉग मैनू कमेंट करके जरूर दसना तो लाइक कर देना वीडियो नू ते चैनल नू सबसक्राइब कर देना मिलते हैं यहोजे किसी नवे व्लॉग टिल देन बाय।